शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। हो बेबे बापू वीरे ने भी हां करती, कहंदे मुंडे ना मला दे सानू कल तू। हो कम कार वालों सब वेल करके, वे घर आज करने नू गल तू। हो जेरे टाइम दी सी वे मैं वेट कर दी, हो जेरे टाइम दी सी वे मैं वेट कर दी, लेके खुशियां दी आया बरसात वे। हो रख जा तरीक दिन बार सोनिया, वे कदों लेके आउणी साडे तू बरात वे। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मिल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं हमारे फतेहाबाद के एक छोटे से गांव हजरावा से, जो कि बाहमाहा से बाहर निकले और सिंगिंग में अपना करियर चुना उन्होंने और उसके बाद वो यूके भी गए, काफी समय उन्होंने वहां पे भी काम किया। तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी और पूछेंगे क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आई, उसी के साथ हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो जगदीश जी, और मैं आपको बोल सकती हूँ जगदीश जी, जैगमणि जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, जो आपका नया सॉन्ग आया है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप वो दो लाइनें उसकी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओके, पहले गाना ही सुना दूं या कुछ इंट्रोडक्शन दूं अपना? नहीं नहीं, सबसे पहले आप सर प्लीज गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी। Okay. जो पहले आया हुआ ही है। हाँ जी। Okay. हो बेबे बापू वीरे ने भी हां करती, कहंदे मुंडे ना मला दे सानू कल तू। हो कम कार वालों सब वेल करके, वे घर आज करने नू गल तू। हो जेरे टाइम दी सी वे मैं वेट कर दी, हो जेरे टाइम दी सी वे मैं वेट कर दी, लेके खुशियां दी आया बरसात वे। हो रख जा तरीक दिन बार सोनिया, वे कदों लेके आउणी साडे तू बरात वे। हो रख जा तरीक दिन बार सोनिया, वे कदों लेके आउणी वेड़े च बरात वे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि शायद आप जब ये गाना सुना देंगे तो मुझे इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, फिर भी सर मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी सर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्टडी आपकी, कॉलेज लाइफ, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज सर हमारे दर्शकों को बताइए। स्टडी जी, मैं एक निके जे पिंड तो हाँ, जिदा तुसी कहा पिंड का नाम हिजरावा है, तो बेसिकली हिजरावा दे हाँ, डिस्ट्रिक्ट अपना फतेहाबाद है। और स्टडी मेरी हुई है जी, मेरे पिंड के स्कूल सी, मैट्रिक उतों क्लीयर होया, प्लस टू होया राम सेवा समिति स्कूल तो, और एक साल दरियापुर भी मैं स्टडी करी, और जी मेरी ग्रेजुएशन है MM कॉलेज तो। और मेरी जी सिंगिंग दी एक्चुअली जो मेरा बैंड सी, जो मैंने गाना स्टार्ट किया, लाइव शो लाने स्टार्ट किए, वो मेरे MM कॉलेज तो स्टार्ट हुए थे, जिन्होंने मैंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिता। साढ़े त्रिखा सर जी MM कॉलेज हाल भी है, सीमा मैडम जी और प्रिंसीपल साहब, सारे ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता मैनू, और उतों मैं एक हौसला मिले गाँव का बहुत ज़्यादा। तो उतों फिर मैं BCOM करके IELTS किया, IELTS करके फिर मैं बाहर लंडन गया जी, उत्थे फिर मैं इंजीनियर रस्किन यूनिवर्सिटी तो अपने HRM का कोर्स किया और बिजनेस स्टडी का कोर्स किया, और नाल नाल मेरी सिंगिंग का भी चलता रहा, मैं उधर भी स्ट्रगल किया, तो उत्थे अपना एक लाइव बैंड बनाया, उस लाइव बैंड नूं उस्ताद राहत फतेह अली खान भी यूज़ करते, सोनू निगम जी भी यूज़ करते, कुमार सानू जी, और उही लाइव बैंड मेरे नाल हुंदा सीगा। ते बस करना कराना तुहानूं पता वाहिगुरू नूं हुंदा जी, अपने हाथ च कुछ भी नहीं हुंदा, मेहनत असीं कीती आ, रब ने फल दित्ता उहदा जी। ते इह आपणी स्टडी। हेलो फतेहाबाद, कैसे हैं आप सब? वेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है, और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन, बहुत ही अफोर्डेबल और इजी EMIs पर, यानी कि आईफोन SE सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन XR ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97,
Apple Watch SE ₹121 only, iPad सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है, यानी कि इतनी कम EMIs होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट आवर स्टोर। सी यू गाइस। तो सर, जब आप लंदन गए वहां आपने क्या किया सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, लंदन जदों मैं, मैनू याद आ कि एक्चुअली मेरी ना इतने एल्बम हो रही थी जिदा म्यूजिक अली अकबर जी होरां ने देना सी पटियाला तो, और मैनू पता भी नहीं लग्या कि मेरा कदों वीज़ा आ गया। तो जदों वीज़ा आ गया फिर मैनू यू नो दैट आई हैव टू गो इन लंदन। गया मैं लंदन, उत्थे गया जी, उत्थे एक वी कैन से कि इत्थे नया जन्म होया मेरा या एक तरह का, उत्थे नए लोग सारा कुछ नवा सीगा ना, तो समझण दे विच थोड़ा टाइम लग्या। हार्ड वर्क किया उत्थे जी, हाँ जिदा उत्थे रेस्टोरेंट होंदे आ, पब होंदे आ, होर म्यूजिक इंडस्ट्री के जिहड़े लोग होंदे उन्होंने मिलिया, फिर हौले हौले उत्थे गाना स्टार्ट किया, अपना एक लाइव बैंड बनाया या, और इसी तरह फिर अगे तो अगे लोगों का प्यार मिलता रहा। तो मैं अपना उत्थे अच्छे प्रोग्राम लाए है जिहड़े अज गूगल ते भी हैगे, यूट्यूब ते भी हैगे जी, बढ़िया प्यार मिले उत्थे। तो सर, जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो स्ट्रगल हमें करना पड़ता है और हमें डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है डिफिकल्टीज भी, तो आपको भी ऐसा कुछ मोमेंट थे? यह वो तो देखो जी, जदों कुछ कोई भी चीज इजी नहीं मिलती है जिंदगी दे विच, जे अपना हार्ड वर्क हैगा या। इत्थे मैं स्वाति जी एक गल कहना चाहूंगा, जेडे मेरी इंडस्ट्री के लोग है उन्होंने भी, तो एक निकल जहा मैसेज मैं आपके वालों कहूँगा कि कई बार की होंगे, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो म्यूजिकल इंडस्ट्री के है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कि भी है समटाइम की होंगे, कुछ लोग हार के बह जाते हैं, वो सोचते हैं छोड़ो यार कुछ नहीं मिलता, इन्ना हार्ड वर्क कर लिया कख नहीं रखा हुआ, लेकिन आई थिंक वो जी थोड़ी जो हार्ड वर्क करते हो जो रिजल्ट है, वह जो बेनीफिट है, वो थोड़ा इकट्ठा होंगे रहा। ये नहीं पता वो उत्तों वाले ने कदों थोड़े वास्ते छप्पर पार के थोड़ा दे देना एक बार, है सो मैं उत्थे हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा जिंदगी हार्ड वर्क किया, इन्ना हार्ड वर्क किया कि एक टाइम शायद मैं भुखा भी रहा हुआ, ये हुण वो सारियां गल्लां आपां की दसी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो उहदा फल उत्तों वाले ने दिता है मैनूं जी, लोगों का प्यार, लोगों ने इज्जत रिस्पैक्ट दी है, हुण थोड़े वर्गियां दा सपोर्ट जिहड़ा हैगा आ इह मिलिया हैगा मैनूं, पर इह हार्ड वर्क भी किया बहुत ज्यादा किया। सर, जैसे कि अभी आपने मुझे सॉन्ग सुनाया बरात जी, तो उसके बारे में बताइए सर, वो कैसे आपको माइंड में आया कि मुझे इस तरीके का सॉन्ग बनाना चाहिए जो कि लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उसको, और उसको मतलब जब लोगों ने प्यार दिया आपको क्या फीलिंग आई उसको? देखो जी, बरात सॉन्ग का आइडिया जरा सी, मैं उदो बाहरों आया सी और थोड़े पैसे कमा के लिया बहरों, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 16-17 लाख रुपया वो बरात सौग से लग्या वा। उन्होंने दिनों में आरदित भाजी और सौग हो रहा है रीला वाला टैक, तो उन्होंने शूट करने वाले जोना एंड जोगी जे वीडियो डायरैक्टर से, मैं उदो सोचा मैं क्या सौग बहुत वधिया चल रहा, तो मैं इन्होंने डायरैक्टर ले लें, तो मतलब अच्छे सारे आर्टिस्ट वो मैं ले जिन्हें भी सके, तो सौग मैं इदा का करना चाहता सहला सौग, क्योंकि उन्होंने दिनों में सीजन सगा ब्याह शादियों का, तो वह सीजन अकॉर्डिंग मैं सौग चूज किया, तो फिर वेद मतलब शूट उन्होंने तो करवाया, म्यूजिक वाला जो अपने जलंधर तो कवलजीत बबलू जी, लिखण वाला मुंडा समीर वो भी उधरों जलंधर तो सी, उन्होंने बहुत वधिया लिखा, सो कुल मिला के फिर जो गाना आ जो मैं गाना करया, तो यदा बहुत ज़्यादा सपोर्ट जोड़ा है वो टिकटॉक तो मैं आया, हूँ तो खैर टिकटॉक बंद हो गया इंडिया बैन आ, वो तो जे अपने इंडिया के जो आर्टिस्ट से टिकटॉक स्टार से उन्होंने सारे ने लगभग वीडियो बनाई सी, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलया उन्होंने, सोंग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, खास करके अपने पंजाब के हरियाणे च राजस्थान के भी और फॉरन कंट्री चु बहुत ज़्यादा मैं प्यार मिले, तो मैं उतों के काफ़ी इंटरव्यू मिले, किस्मत टीवी का और USA का एक बैठक चैनल है उन्होंने इंटरव्यू मिलया, फिर यह गाँव जो वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव होया PTC पंजाबी चैनल पर जी, तो PTC पंजाबी का इंटरव्यू मिलया, PTC न्यूज़ का इंटरव्यू मिलया, बहुत ज़्यादा प्यार मिले, जिन्ना मेरा पैसा लग्या वो तो बद के मैं मतलब कि सोंग ने दिता है जी।
बहुत बढ़िया सर, आपने बताया सर। जैसे कि हम लोग नए जो हैं, जो म्यूजिक का शौक रखते हैं या चाहते हैं कि हम लोग म्यूजिक में अपना करियर बनाएं, जी जी, तो सर उनके लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे कि हम कोई भी अगर से कोई गाना बना रहे हैं, सपोज करते हैं हम गाना हमने चूज किया, तो उसको कैसे सिलेक्ट करें कि उसका भी कोई वो होता है, जैसे अब आपने बताया कि सीजन होता है, शादियों का सीजन था, तो ऐसी कोई टिप आप उनके लिए भी देना चाहेंगे कि किस तरीके से चूज करें या क्या कंटेंट उठाएं? देखो जी स्वती जी, जेडे इस लाइन दे विच आ जांदे हैं ना, ते उन्हां नूं एक्चुअली पता हुंदा आ, बाकी फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जदों कोई सॉन्ग करदे हो सीजन अकॉर्डिंग होना चाहिए वा। ते सब तो वड्डी गल है कि जिनी अपनी चादर है पैर अपन ओने पसारने चाहिए। अगर थोड़े कोल दो पैसे हैगे वीरे, फिर तो तुसी गीत करो, फिर तो तुसी इस लाइन दे विच आओ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਈਏ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਨਾਓ, ਯੂ ਨੋ ਐਟ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਹਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੋਲ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਇੰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਆਪਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਕਾ ਆਪ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਆਪ ਉਸਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਏਕ ਦਿਨ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ੋ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸੈਂਡੀ ਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਢੋਲ ਪਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਹਜਰਾਵਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੋ ਅਬ ਜਬ ਆਪ ਵਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪ ਆਪ ਕੇ ਆਪਕੋ ਪਕੜ ਲੇਤੇ ਹੋਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਹਮੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਹਮੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪ ਬਤਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰਾਵਾਂ ਆ, ਹਿਜਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਹੁੰਦਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸਰ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਤੋ ਸਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਂਗ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੰਪਾਇਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਮੀਰ ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਿਕਸ ਮਾਸਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਯਾਰੋਂਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਯਾਰੋਂਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਮ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਯਾਰੋਂਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ।
और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, काफ़ी सिंगर्स में सपोर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं उन्हें के, और मैंने भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो मेरे सॉन्ग में वो अगे लैके जा रहे हैं, उन्होंने शूट करना है, मेरे सॉन्ग की डील उन्होंने हो चुकी है, जो नेक्स्ट वाला है। तो उसके बारे में, उस सॉन्ग को लेके आप दो लाइनें हम सुना सकते हैं? हाँ मैं सुना सकता हूँ। ओके ये सॉन्ग है ऐसे कुछ है। वेख फेरा दे पैन खड़ाके रोंद चैंबर ही चढ़दे आ, दुखी तिकी खंग दी नहीं हो जिथे गबरू खड़दे आ, लक्का दे नल मौजर खेंदे मुछा रखिया कुंडिया नी, जिगरे रशियन टैंका वर्गे एवे गला हुंदिया नी, ओ साडे वालों फुल थोरटी जिथे मर्जी वरती नी, हां ओथे बिलो कम नहीं रुकदे जिथे हां गबरू ने भरती नी, ओथे बिलो कम नहीं रुकदा जिथे हां गबरू ने भरती नी, ओथे पतला कम नहीं रुकदा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सर हम आपके आने वाले सॉन्ग के लिए भी वेल विशेस देते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इसमें भी उससे ज्यादा प्यार मिले जो पहले सॉन्ग आया। थैंक यू सो मच। और सर एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे दर्शकों से लाइक शेयर के लिए अपील जरूर करें। यू मीन टू से कोई मैसेज? हाँ जी, हमारे टीवी चैनल के लिए। जी जी जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे को जिनका कॉल आया, कुलविंदर जी, पदम कुलविंदर जी, थैंक यू उनका। उन्होंने मुझे बताया परसों कि ऐसे ऐसे करके स्ट्रीट मेल वालों ने आपको याद किया है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो जब भी मैं फतेहाबाद आऊँगा अपने शहर में तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। तो ये मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर मी। या मेरे अपने फतेहाबाद शहर के पेपर ने ना, स्ट्रीट मेल ने मुझे याद किया है, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही बात जैसे मेरे अपने कॉलेज ने, एमएम कॉलेज ने मेरे को इतना बड़ा सपोर्ट किया और मेरा रिगार्ड किया था, सेम वही है कि फतेहाबाद की मीडिया मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, पहले भी किया अब भी कर रही है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट इट एंड आई ओव यू ऑलवेज। या थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रीट मेल, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ, हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई नई बातों के साथ और मिलते रहेंगे आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।